और इस चीज में गौर करिएगा मेरे दोस्तों। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को कोई टारगेट नहीं करूंगा। लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि हमने कॉम्बो वीडियो बनाई एक CBR। लोगों ने ऐसा नहीं किया, आपका तो नाम ही नहीं लिया था मैंने। अगर पाजी हमने दूसरी चाबी दिखा दी, अगर हम दिखा देते हैं तो शायद एक बाइक हमें फ्री में मिल जाएगी। मैं अगली वीडियो में मैं चैलेंज करता हूँ। मतलब आप पेमेंट के लिए डर रहे हो कि पेमेंट आप दिखा दो। So guys, what's up everybody? You're from Mysteryboy and I'm back with another video. तो गाइज फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे हम शूट कर रहे हैं किसी कार के अंदर बैठ के, क्योंकि हमें जो ये भी जो बात हो रही थी और हम पे जो भी सवाल उठ रहे थे या जो भी कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के, उसका हमको आपको जवाब देना ही था, जो कि अभी हम आपको एकदम विस्तार में सब कुछ नहीं बताएंगे। बट जो भी होगा आज हम बात क्लियर हो जाएगी। और जैसे कि जसनीत भैया ने बोल दिया था कि रात तक वीडियो आएगा, तो वो तो हमें लाना ही था। तो बाकी आज मेरे साथ जसनीत भैया हैं, बाकी हरप्रीत भैया भी हैं। तो वीडियो के बारे में शुरू करते हैं, जो भी बात हुई है जी रेप्सोल को लेके। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल हाय गाइस, दिस इज मी जसनीत सिंह फ्रॉम सुपर बाइक्स बाय सरस्वती मोटर्स। आज थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, किसी बंदे से नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं यूट्यूब कम्युनिटी से अपसेट हूँ। रीज़न बीइंग कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने सारे व्लॉग्स शूट करने के बाद और इतनी सारी वीडियोस बनाने के बाद शायद आप लोग मुझे पहचान नहीं पाए कि जसनीत सिंह है कौन, वो बंदा कैसा है, उस बंदे की नेचर कैसी है। और लिटरली आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक आफ्टर रीडिंग ऑल दोस कमेंट्स जो एक सिली सी वीडियो के ऊपर काफ़ी लोगों ने किए, जिस पे सीधा सीधा टारगेट हमारे ऊपर किया जा रहा था। Although anyways, मैं आज तक किसी वीडियो में किसी को भी लेके कुछ बुरा भला ना बोला है, ना मैं किसी के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत ही नहीं है। मैं अगर सरस्वती मोटर्स अपनी दुकान पे जाता हूँ तो वहाँ पे जाता हूँ काम करने, बिजनेस करने, अपना पेट पालने के लिए और आप लोगों को एक नॉलेज देने के लिए कि जो मेरे अंदर भंडार है नॉलेज का वो शेयर करने से ही बढ़ता है। तो शायद कई ऐसे लोग हैं उस मार्केट के अंदर, आई वोंट नेम एनीबॉडी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी को कोई टारगेट नहीं करूँगा। बस आज तक मैं इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि एक उम्र का लिहाजा होता है, एक इज़्ज़त है मेरे मन में, मेरी परवरिश शायद ऐसी हुई है कि मैं वैसी बातें नहीं करता हूँ जैसे दूसरे लोग करते हैं। सो दोस्तों आज थोड़ा सा मजबूर हूँ, थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर तुम चुप हो तो दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी ही उठाएगी। और शायद मेरे शांत होने का रीज़न एक यही था कि मैं इज़्ज़त कुछ ज़्यादा करता था, एंड इज़्ज़त अभी भी है, पूरी पूरी इज़्ज़त है, इज़्ज़त से कुछ कमी नहीं है। क्योंकि मेरे माँ बाप ने और मेरे बड़े भाई जो मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे हरप्रीत पाजी, शायद हम लोगों को ना ये चीज़ आती है ना हमने ये चीज़ कभी सीखी है। एनीवेज एक बाइक को लेके जो वीडियो चल रही है जहाँ पे हमें टारगेट किया जा रहा है, मेरा मैं क्या बोलूँ, उस वीडियो के अंदर तो मुझे हंसी भी आ रही थी एंड मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था कि शायद मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़ती कि मेरे यूट्यूबर्स जो हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मेरी कम्युनिटी है, शायद वो इतना कुछ कर जाती कि मुझे आज ये वीडियो बनाने की नौबत ही ना पड़ती। एंड हैट्स ऑफ टू फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स और फ्यू ऑफ माई व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छा जवाब दिया, काफ़ी मुंह तोड़ जवाब दिया, जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको मुझ पे फेथ है, उन्होंने मेरा साथ दिया। और विदाउट नोइंग दी सेकेंड फेज ऑफ द स्टोरी कि दूसरी तरफा स्टोरी क्या है, वो ब्लाइंड फेथ पे इतना मुझ पे ट्रस्ट करा कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा पहले करना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मेरे भी चाहने वाले हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, जिन्हें पता है कि मैं असलियत में हूँ कौन। लेकिन 100% में वो बंदे हैं सिर्फ 5%, लेकिन मैं 5% से भी बहुत सैटिस्फाइड हूँ कि आज मेरे 5% ऐसे व्यूवर्स तो हैं जो मेरी इतनी इज्जत करते हैं और जिन्हें पता है कि मैं कौन हूँ।
सो गाइज, रही बात उस वीडियो की, जो भी कुछ वाक्य उस वीडियो में हुआ, जो भी कुछ बोला गया, जो भी कुछ बातें थी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैन्युपुलेट किया गया। मैं उनको भी एक क्या बताऊँ, उनको भी मैं सलाम करता हूँ कि सर आपके क्या स्किल्स हैं जिस तरीके से आप मैन्युपुलेट करते हो बातों को। तो मैन्युपुलेट के चक्कर में किसी दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई, एंड बंदूक चलाई तो शोर तो मचेगा। अब शोर मचेगा तो हड़कंप भी मचेगी, तो वो जो हड़कंप आप चाहते थे मचाना, सॉरी, वो नहीं मचेगी, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं आपकी ऐसी टुच्ची हरकतों की वजह से मैं प्रवोक हो के कुछ बुरा भला बोलूं, या बात बात पे माता रानी का, अपने वाहिगुरु जी का, अल्लाह ताला का, या किसी और भगवान का नाम लूं। भगवान होता है ना, ये वो दिल में होता है, यहाँ पे अपने दिल के अंदर होता है भगवान, और भगवान तुम्हारे घर पे होता है। मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं, जिनका मैं बहुत आदर सत्कार करता हूँ। मेरे भगवान मेरे बड़े भैया हैं जो मेरे साथ बैठे हैं, जिनकी मेरी दिल से इज्जत है। सो दोस्तों, मैं शायद कुछ ज़्यादा बयान नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे पे बीत रही है, जो मुझे सुनने को मिल रहा है, शायद वो काफ़ी नाजायज़ है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ तड़क भड़क मसाला मिर्ची लेने ही आते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है कि एक इस्टैब्लिश करने में अपने बिज़नेस को कितनी मेहनत लगती है। कभी मटका बनते हुए देखा आप लोगों ने, मटका कैसे बनता है? जो पॉटर होता है वो अपनी क्ले को अपने हाथों से मोल्ड करता है, बार बार मोल्ड करता है, वो बार बार गिरती है, वो बार बार उसको उठाता है, फिर उसको जाके एंड में शेप देता है। कितनी मेहनत उसको लगती है, कितनी मेहनत वो करता है, और उसके बाद कोई दूसरा आके उस मटकी के ऊपर पत्थर मार के उसको फोड़ दे, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी वो शायद आप लोग नहीं समझ पाओगे, या जिनके ऊपर कभी बीती है तो वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे। मैं बस एक यही बात कहना चाहूँगा कि जब सबका घर कांच का होता है ना, तो दूसरों के घरों पे कभी भी पत्थर नहीं मारते, और अगर मार ही दिया है तो इतनी इज्जत मेरे अंदर है कि मैं वापसी नहीं मारूँगा। लेकिन अब मजबूर हूँ, मजबूरी कुछ ऐसी हो गई है कि अगर नहीं बोलूँगा तो शायद जूठा घोषित हो जाऊँगा, अगर बोलूँगा तो कुछ इतना गलत बोल दूंगा कि शायद उन लोगों तक बात जो है वो उनसे पचेगी नहीं। तो आज कुछ वाक्य हुआ था मेरी रोज़ी रोटी पे, मेरी दुकान पे, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो जो शूट हो रहा है वो दुकान पे बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी दुकान पे नेगेटिव वाइब्स नहीं रखता, नथिंग व्हाट्सएवर। तो आज उस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ मैं हिंट दूंगा इस वीडियो के अंदर, मैं कुछ दिखाऊंगा उसके अंदर, आपको क्लिप्स आएंगे इसी वीडियो के अंदर कि आज क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ। प्रूफ है मेरे पास, सारे प्रूफ्स हैं, सारे आपको इसी वीडियो में दिखेंगे। बस ये कि छोटा सा कह लो, एक वार्निंग कह लो, या कह लो कि बस एक आपके कानों तक बात पहुँचाना चाहता था मैं, कि जसनीत सिंह जो है वो ना कभी गलत था, ना वो गलत है, ना वो कभी आपके साथ गलत होने देगा। बाकी शायद मेरे अंदर इमोशंस का ज़्यादा भंडार है, मैं शायद किसी और तरीके से ना बह जाऊँ, तो मैं चाहूँगा कि रिपीट पाजी कुछ बताएंगे आपको। आई कैन नॉट से एनीथिंग मोर, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, आई नीड अ पॉज। प्लीज पाजी। हेलो मेरे दोस्तों, मेरे को इतना कैमरा मैं फ्रेंडली नहीं हूँ, मुझे इतना तो पता नहीं है कि सब बोलना क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैं भी थोड़ी सी भावना और थोड़ी सी सच्चाई लाना चाहूँगा। जो भी लोग हमारे बारे में उल्टा सीधा ये वो, मैं कमेंट्स देखता हूँ कि हमारे बारे में लोग कुछ भी बोल रहे हैं कि हमने कॉम्बो वीडियो बनाई एक CBR, सिर्फ और सिर्फ कुछ मेरी गलतियों की वजह से और कुछ मेरे बचपन की वजह से ये हुआ। कहते हैं ना कि दोस्ती यारी इंसान को आबाद भी कर सकती है और बर्बाद भी, वैसे ही कुछ हुआ। हमने
एक मोटरसाइकिल ही तो होती है CBR, CBR हमने एक अपनी दुकान पे कोई आई हमारे किसे मेरे किसे एक छोटे भाई ने, और वो भी थोड़ा सा कि हाँ यार एक भाई है थोड़ा परेशान है, तो उसकी बाइक है उसके पास खड़ी है तो वो बिकवा दी जाए। मैं चाहता तो वो CBR ले लेता, उसको ख़रीदना और बेचना वो सुबह से शाम तक हमारा काम है। और लोग कहते हैं हम ब्रोकर है, अगर हम ब्रोकर है तो जो हमारे बारे में उल्टा सीधा कहता है वो खुद क्या है? क्या आप पैसा लगाकर कमाते नहीं हो? और कमाते हो तो उस कमाई को आप क्या कहोगे? मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा कि अगर गाड़ी को बेचा हुआ और आगे बेचकर कुछ कमाने को कमीशन नहीं या अपनी ब्रोकरेज नहीं या अपनी मेहनत नहीं तो आप क्या कहोगे? और मैं बस एक छोटी सी बात कहूँगा कि आप लोगों ने इस जसनीत को इतना सवारा है, इतना प्यार दिया है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस CBR और ये कॉम्बो को इतना बनाया जा रहा है, हमने तो एक अपने छोटे भाई का एक भाई का भला करने की सोचा था, जो कि हमारी एक गलती थी। और जहाँ तक कि मेरे को यही सलाह मैंने ही दी अपने छोटे भाई को कि हम लोग एक दुकान पे ये वीडियो ना बनाकर यहाँ पर बनाएं तो ज़्यादा सही है एक कार में, ताकि हम एक दुकान पे ना एक अच्छी वाइब्स, एक अच्छी सब साफ़ सुथरी बातें चाहते हैं जिसमें कोई झूठ फरेब और ये सब और किसी से लड़ाई झगड़ा और किसी से कोई ईर्ष्या की भावना ना हो। दुकान से बाहर कर होके ये वीडियो बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसमें हम बता पाएँ कि हमारे साथ क्या हुआ है। और लोग कहते हैं कि हमने कॉम्बो वीडियो, कभी बाइक बेचना ख़रीदना, काम सब कर रहे हैं, कारोबार सब कर रहे हैं। कोई लोग, कुछ लोग प्यार बना के कर रहे हैं, कुछ लोग अपने दबदबे और दादागिरी से कर रहे हैं। हम लोग तो हाथ जोड़ते हैं और अपने मालिक का नाम लेते हैं कि यार जो होगा अच्छे के लिए और अच्छा ही होगा। तो कुल मिला के ये है कि मत करो ऐसा गलत, मत बोलो कि झूठ सच, झूठ सच कुछ नहीं है, जो है वो मालिक के हाथ में है और आप जैसे भाइयों के हाथ में है। इस वीडियो को अब देखने के बाद जो इस वीडियो को समझ पाए, इस वीडियो में एक भाई का की चुप्पी है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत गुबार था जो कि निकला इस वीडियो में, तो जो आप ये देख पाओगे कि ये सच्चाई है क्या। और हम किसी को गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब अपनी, हम दुकानदार हैं और दुकानदारी करने जाते हैं, काम करने जाते हैं, कारोबार करने जाते हैं। तो अब हम बस ये बोलेंगे आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये हमारा छोटा भाई मिस्ट्री बॉय, इसके बारे में अब आपको हम क्या बोले ये खुद ही बताएगा, इसके अलावा आगे मेरे पास वर्ड नहीं है, सॉरी। तो वही जैसा कि अभी जसनीत भैया ने ही बताया अपने बारे में और हरप्रीत भैया ने ही बताया, तो एक किसी वीडियो की वजह से, जो भी वीडियो आपने देखी होगी, रेप्सोल की बात जो हो रही थी, वो जो हमारा वीडियो था जिसमें दो बाइक्स हमने दिखाई थी, उसका भी लिंक होगा नीचे, आप जाके खुद चेक कर सकते हो कि उसके कमेंट बॉक्स में क्या क्या बोला जा रहा है, खुद DMs आ रहे हैं, भैया को कितने सारे मैसेजेज आए हैं, ये वो खुद भी बताया। बट यही बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी थी कि जो हम आपको, मैं एक मिनट टोकना चाहूँगा, आप लोग ये कहते हो ना हम लोग ये इसमें ऑनलाइन आना भी नहीं चाहते थे और हम इसका कोई जवाब देना भी नहीं चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ बहुत फ़ोन, बहुत मैसेजेस, और इस सब के बावजूद हम लोगों को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारी सच्चाई हमें ना, और जसनीत को तो खासकर बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये भरोसा दिलाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है बस। गाइस, मेरी एक यूट्यूब वीडियो देखने के बाद ही, मुझे जानने पहचानने के बाद ही, ऑन अ वेरी फाइन डे मेरे पास एक बंदा आता है एंड वो मेरे शोरूम पे आए, मेरी उनसे बातचीत स्टार्ट हुई, एंड व्हेन आई फाइंड कि हाँ वो थोड़ा सा बंदा मजबूर है, उनसे बातों बातों में ही एक ऐसा रिलेशन सा बन गया कि मैंने उन्हें एक, कह लो कि मैंने उन्हें एक एहसास दिलाया कि आप सही जगह आए हो, आपको अपनी बाइक बेचनी है
तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज कि आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए. मैंने उनकी बाइक अपने पास रखी एंड थोड़ी उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो हाई थी क्योंकि कुछ फाइनेंसिस को लेके ही वाज मैनेजिंग आउट समथिंग. तो उनकी उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करने के लिए मैंने उनकी बाइक अपने पास खड़ी करी. एंड दोस्तों उस वीडियो में जो कहा गया है कि एक दिन के अंदर ही मैंने वीडियोज़ बना दी, एक दिन ही बाइक मेरे पास खड़ी हुई थी, तो शायद एक दिन में ना ही वीडियो हमारी बनती है, ये अर्जुन जानता है. हाँ, मेरे को बुलाया जाता है और आधी रह जाती है. एग्जैक्टली. और एक ही दिन में शायद मैं उसको अपने फेसबुक पे भी नहीं पोस्ट कर सकता और एक ही दिन में मैं बाइक की डिटेलिंग भी नहीं कर सकता. और रही बात बाइक की, उस बाइक में थोड़ी सी मिसिंग थी, जो बाइक नहीं बिक पा रही थी, जो मुझे लगता था कि एक रीज़न है कि कस्टमर को बाइक क्यों नहीं समझ आ रही है. उस मिसिंग को ठीक करने के लिए मैंने बिना कस्टमर से एक रुपया लिए अपने पास बाइक के इरिडियम स्पार्क प्लग्स डाले. उनका कॉस्ट आप लोग जानते हो, लगभग 600 रुपए का एक स्पार्क प्लग आता है और उस बाइक में चार डलते हैं. 2500-2600 का मैंने उस पर खर्चा किया. इंजन ऑयल कम था, इंजन ऑयल को टॉप अप किया, बाइक को वैसा बनाया जैसा कि मुझे, मेरा जो टेस्ट है कि मुझे जैसी बाइक्स पसंद है. कस्टमर से मैंने एक रुपया नहीं लिया, ना उन तक ये बात पहुंचाई कभी आज तक कि सर मैंने आपकी बाइक की सर्विस खरीदी, क्योंकि उसमें थोड़े से इश्यूज थे. ऑल इन ऑल थोड़े टाइम बाद उन्होंने ओएलएक्स पे भी डाली हुई थी बाइक. एक महीना मेरे पास बाइक खड़ी रही, एक महीना, वन मंथ. वो मेरे पास आते हैं ऑन अ वेरी फाइन डे वंस अगेन कि यार मेरे पास एक कस्टमर आया है, मेरी डील मैच्योर हो रही है, तो आई नीड द बाइक, मेरे को बाइक दिखानी है उसको. सो आई सेड ओके सर, आप लेके जाइए, बाइक इज़ रेडी, बिल्कुल डिटेल्ड है, एकदम क्लीन है, यू कैन टेक द बाइक. वो बाइक लेके गए, गॉड नोज उसके बाद कौन से ब्रोकर डीलर के पास गए, बाइक कहाँ खड़ी करी, क्या उनकी मैच्योरिटी थी, क्या वो सोच रहे थे. तो उसके बाद शायद उनका हुआ होगा, किसी से मिले होंगे, किसी से बात हुई होगी, शायद जिम में मिले होंगे किसी से, शायद एक दिन के लिए किसी के पास बाइक गई होगी, शायद 6 लाख रुपए की बात के बाद उस बंदे ने आगे 8 लाख रुपए का बेचने का कुछ करा होगा. इन दो बातों को मिक्स किया गया, मैनिपुलेट किया गया और सीधा टारगेट किया गया सरस्वती मोटर्स के ऊपर. अब इस बात में कितनी सच्चाई है, शायद मैं बोलूँगा तो आप लोग मानोगे नहीं, तो आपको एक एक क्लिप दिखाना चाहूँगा मैं. इस वीडियो के अंदर आपको वो क्लिप दिख जाएगा, उसके बाद आप ही जज करोगे कौन सच्चा है कौन झूठा है. तो ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ और बातें शेयर करना चाहूँगा. मैं इस बात को काटना चाहता हूँ और थोड़ा सा बस ये बोलना चाहता हूँ कि हमें बोला गया कि 6 लाख रुपये की ये गाड़ी आई और 8 लाख रुपए की बिकवा दूंगा. 2 लाख रुपए ब्रोकरेज कोई किसी को दे सकता है? और दे देगा, और दे दी और गाड़ी बिकवाने की बात आ गई तो वो 2 लाख रुपए कहाँ हैं? किसने दिए? कौन जिम में मिला? और जिम में कोई किसी को अगर मिलता है तो उसके साथ अगर दोस्ती होती है तो एक आधी फोटो भी खींचता है. जिम जाते हैं, मैं जिम जाता हूँ, मेरे साथ कोई जिम करता है, मैं टीम कोर पूसा रोड पर जाता हूँ, वो बताए मैं यहाँ पर टीम कोर पूसा रोड पे मेरे साथ कौन सा जिम करता है और कौन सा वो मेरा दोस्त है और कहाँ हम लोग मिले थे. बाकी आपको वीडियो बता ही देगी कि सच्चाई है क्या. मैं क्या मतलब क्या हुआ क्या कह रहे कहाँ गए आपने कैसे कैसे हुआ उसको जनरल एक्सपीरियंस बताया था कि लोगों ने ऐसा किया आपका तो नाम ही लिया था मैंने. अच्छा फिर इसने बोला वहाँ पहले मैं बिल्कुल खड़ी मैं कहा मैं भैया से बाइक ले गया वापसी किसी और को दिखानी थी. ठीक है बोल ये बात हुई इसने कहा चलो भैया हम देख लेंगे आप छोड़ो. फिर ये बोले मैंने बोला ना मैं कहीं गलत नहीं है मैं काट दूंगा एडिट कर दूंगा टेंशन मत लो एडिट करके बनाओगे. उसने कहा ट्रैक सीधी मैंने तुझी ने फोन भी किया उसने फोन नहीं उठाया मैं 5 मिनट में कर रहा हूँ पापा के सामने मैंने पूछो मैंने 1000 बातें करी पापा ने फोन करे मम्मी तक ने मेरी फोन कर दिया. अरे 11 बजे रात 11-12 बजे बात करी है उससे बिल्कुल सर पाट लिया
मैं कहा मैंने लड़ना थोड़ी क्या करें आप पे मेरे को सलाह मैं उस चक्कर में यहाँ बैठा हूँ मैं कभी बोला मैं अपने बोलूंगा मैं बोलता हूँ मैं ये बोलने आया हूँ मैं कभी बोला मैं अपने मैं दस्तर या भाई मैं क्यों ऐसे बैठा मैं कल रहा हूँ मैं क्यों आऊंगा तड़े साठ लाती छह लाती भाई के मैं की कह रहा हूँ मैं ऐसे बैठा मैं उन्हें दोनों जसपाल के सामने भूख कराना जसपाल की गलती हो जिनका दोस्त रह गया वो भी गलत सच्चा है पर इन्हें कल घुमा के इशारे करके बोलता वो कल गलत उसने ना यहाँ पे देख ली होगी भाई खड़ी थी उसने कहा वहाँ खड़ी थी मेरे यार मेन बात क्या है जो दूसरा यूट्यूबर था ना जो एनएस वाला लड़का था उन्हें कह दी दो बाइके हमने देखी थी वीडियो मैंने देखी हाँ भाई साहब आपने बोला था मैं भी देखा मैं चाहता वीडियो देखी दो बाइके बोली थी आप आपको ये तो ये बात बोल रहा है कि साढ़े छह लाख रुपए में डीलर पैसे खाते हैं और दो लाख एग्जाम्पल क्या मतलब दो लाख रुपए अपने एग्जाम्पल पे बातें घुमा रहे हैं जसपाल ने वो जसपाल पे बात हुई है ये शास्त्री नगर वाले जो जसपाल ये उसके वहाँ पे बात हुई है ये उसके लिए बात कर रहा हूँ मैं उसके लिए बात कर रहा था उसने आपके एंड में बोल दिया बंद कर दो खाने बंद कर दो ये हुआ मतलब आप पेमेंट के लिए डर रहे हो कि पेमेंट आपकी खाना गाड़ी ब्लॉक हो जाएगी आप अपनी पेमेंट निकलवाना चाह रहे हो पता नहीं मैं दसना की है बिजनेस रेवेन्यू होती है रेवेन्यू नहीं हमारे हमने 100 वीडियो डाली कभी आज तक नाम यार अपनी टेंशन है समझे नहीं सारे बंदे को नहीं तो मैंने तेन दिन भी कल दसी कई बंदे बेशरम होते ने कई बंदे बेशरम नहीं होते कई बंदे सेंसिटिव होते ने अपने सामने काम करते उसी काम करते वो बेशरमी दिखा रहे हैं सो गाइज अगर आपने वही CBR की वीडियो अगर देखी होगी मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स अर्जुन के चैनल पे ही वो वीडियो शूट हुई थी बहुत कम वीडियोस हैं वैसे भी उस बाइक को लेके या रेप्सॉल को लेके उस वीडियो के अंदर जो मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस रहा था जिस प्राइस पे हम बेच रहे थे वो बाइक दैट वाज 870,000 870,000 रुपये की वो बाइक हम बेच रहे थे एंड उसमें मैंने ये भी बोला था कि प्राइजेज आर नेगोशिएबल आप आइए बाइक देखिए टेबल पे बैठ के बात करते हैं जो भी बेस्ट डील होगी विल मेक श्योर कि आपको डील देंगे तो आज वही बाइक कहाँ है एंड बड़ी कम वीडियोस हैं उसके आपको पता ही चल जाएगा वो बाइक कहाँ है किधर है और उसका प्राइस क्या है वो भी आप लोगों के सामने है कुछ भी छुपा तो नहीं है तो शायद आप इन्हीं चीज़ों से तुलना ले सकते हो कि एक कंपेयर कर सकते हो आप मैं क्या बोलूं अब हराम की कमाई किसे कहते हैं आप इसी चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हो एंड मेरा कोई काम नहीं है ब्रोकरेज करने का मैं किसी से कभी कमीशन चार्ज नहीं करता रही बात उस CBR की भी तो डील होती आमने सामने मैं तो बस चला था किसी की भलाई करने में मुझे क्या पता था कि नेकी करो और छित्तर घरों वाली हालत मेरे साथ हो जाएगी मतलब ऐसी वीडियोस देखने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद भलाई का ज़माना ही नहीं है आप लोगों को लूटते रहो अपने मुंह या मिट्ठू बनते रहो तारीफ़ें करते रहो अपनी एंड दुनिया आपको सपोर्ट करेगी आप आगे बढ़ते जाओगे तो दोस्तों इस सारे वाक्य के बाद मैं एक बस ये लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा बहुत लंबा हो चुका है वीडियो कि अगर मैं चुप हूँ तो मेरे शांत रहने का फ़ायदा मत उठाओ मैं बोल सकता हूँ रही बात मेरी बाइक्स और मेरे प्रोफेशन को लेके जो जो उंगलियाँ उठाई जा रही हैं मेरी बाइकों को लेके अगर पाजी हमने दूसरी चाबी दिखा दी अगर हम दिखा देते हैं तो शायद एक बाइक हमें फ्री में मिल जाएगी किसी ने कमिटमेंट किया था किसी चाबी वीडियो में। और इसके लिए लोग कहते हैं ना एक हाया भूसा देंगे और ये कहते हैं
तो अब मैं क्या बोलूँ, चाबी को लेकर बात हो ही गई है। तो मेरे दोस्तों, जो ये कहते हैं ना, कुछ ऐसा प्रूफ लेकर आओ कि मेरे को हायाबुसा गिफ्ट में मिलेगी। मैं अगली वीडियो में मैं चैलेंज करता हूँ, मैं वीडियो लेकर आऊँगा कि मेरे सामने कोई कह दे कि हायाबुसा गिफ्ट में ये सामने पड़ी है। मैं आपको गोल्ड रिंग की दूसरी चाबी और ऐसी ऐसी चीज़ें खुलासे करूँगा जिसमें आपको मजबूरन किसी को कुछ बोलना बहुत कुछ पड़ेगा, जिसके मेरे माँ बाप ने हमें सिखाया ही नहीं है गलत शब्द यूज़ करने के लिए। बस आप उसकी क्या से क्या कर दोगे गाइस। ऐसा कि बहुत वीडियो बन गया, पूरा बहुत बड़ा हो गया, आपको पूरा समझ आ गया होगा क्या स्टोरी थी हमारी तरफ से। बाकी एक वीडियो को बनाने में गाइस बहुत मेहनत लग जाती है। एक तरफा स्टोरी सुनने से पहले, उस वीडियो के अंदर कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, सामने वाले बंदे की बात सुन लेनी चाहिए जब तक वो नहीं आती। बाकी और कुछ नहीं कह सकते, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी नई बात के साथ। अब ये जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद आपको डिसाइड करना है कौन सही है कौन गलत है, कहाँ आपको सही कमेंट करना है कहाँ नहीं। बाकी अब काफ़ी वीडियोज आती रहेंगी एंड थोड़ी बहुत मैं कोशिश करूँगा कि मैं चुप ना रहूँ। अब मैं एक के बाद एक जो पर्दे ढके थे, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अगर जिसको हिंट दे रहे हैं अगर वो समझदार है, वो भी अब समझ गया होगा, क्योंकि इस चीज़ में अब हम वो नहीं समझ सकते। हम अपने बड़ों से ये कह के सीखे हैं, ना हम डरते और ना हम लड़ते। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा और इस चीज़ में गौर करिएगा मेरे दोस्तों। तो गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।